बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जितने भी छात्र बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम कब से लिया जाएगा, उसका प्रश्न पेपर साथ ही सिलेबस, तो अन्य जानकारी भी लेंगे कि आपका परीक्षा फॉर्म कब भराएगा। तो इस सभी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे चलना है। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस बात को सर्च कर लेना है जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे चल रहा है, माधव NCERT क्लासेस। जैसे इस बात को आप सर्च करते हैं वो आपके सामने कुछ इस प्रकार के पेज ओपन होकर आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस पेज पे ओपन करना है। इस पेज पे जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा। इस तरह के पेज ओपन होने के बाद आपको ऐसे वाले ऑप्शन मिलेगा। इस वाले पे क्या करना है, सिंपली आपको एक छोटा सा क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा जानकारी मिलेगा। हम सिलेबस की बात करेंगे कि किस सिलेबस से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप एक गलती कर बैठते हैं तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप परीक्षा से हो जाएंगे बाहर। तो आपको सबसे पहले मैं प्रयास कहना चाहूँगा कि इन सभी ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम उनका एडमिट कार्ड बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। जो परीक्षा में भाग नहीं लेंगे उन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। वहीं भाग लेने के बाद यदि आप सफल नहीं होते, यानी यदि आप पास नहीं होते, तो भी आपको मतलब एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 15 नवंबर से मैट्रिक वाले छात्रों का होगा सेंटर परीक्षा, तो आप लोग तैयार रहिएगा 15 नवंबर से, और 11 अक्टूबर से इंटर का होगा। तो क्वेश्चन लेने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार रहना होगा, और आपको इस वेबसाइट पर आकर के आपको डेली क्यूज भी कर लेना है। साथ ही हम बात करेंगे ऑफिशियल यहाँ पर साइट दिया गया, जहाँ पर जाकर के आप अन्य जानकारी भी ले सकते हैं, बिहार बोर्ड का अपडेट के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड सूची के आधार पर आपका नामांकन भी, ये सारे चीज़ तो आप देख ही पाए होंगे और साइट पर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपका परीक्षा होगा। तो OMR सीट पर आपका परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए आपको 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, एक्स्ट्रा समय मिलेगा, जिसमें आप प्रश्न को पढ़ेंगे। सेंटर परीक्षा पर ही मतलब सेंटर परीक्षा OMR पर ली जाएगी, ये तो पहले साल भी हुआ था। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना, यानी साल भर में जो भी पूछा जाएगा वो आपको पढ़ करके जाना है, उसी से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास 10 का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, क्लास 12 का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब, चैनल पर पहली बार है तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।